गुलबर्ग तक गया हूँ अपने मतलब उस्ताद मोहतरम से मिलने। बहुत कुछ किया है, थिएटर किया, टेलीविजन किया, लिखा, तकरीरें की, गवर्नमेंट कॉलेज से पैदल कैंट गया और फिर अल्लाह ने उसका मुझे बहुत रिवॉर्ड दिया। चबुर्जी में मैं पहली रात सोया हूँ। लाहौर में जब मैं आया था तो चबुर्जी में एक जगह है जहाँ पे वो एक वाटर स्टेशन है, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को ले गया था, वो आज भी है वहाँ पे, वो वाटर पंप है। मेरे पास जगह नहीं थी सोने के लिए तो मैं वहाँ रात वहाँ सोया था और बहुत काम किया। मैं कोई 16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, साथ पढ़ता भी रहा हूँ, इंजीनियरिंग भी की, तो शुक्र है उसका कि उसने बहुत इज्जत दी। मोटरसाइकिल लाइफ ऐसी है कि जो ये हमारा मियाँ मीर का पुल है उसके ऊपर मैं बंद कर देता था और उसको मोटरसाइकिल को बंद कर देता था और जो ढलान थी जो उस पर जाता रहता था ताकि पेट्रोल बच जाए। और मेरे पीछे लोगों को बहुत हैरानगी होगी कि मेरी मोटरसाइकिल के पीछे मदिया गौर थी, बहुत फेमस एक्टर थी, रूही बानो थी, वो भी मेरे मोटरसाइकिल के पीछे बैठती थी और हम पेट्रोल बंद करके उस पर नीचे जो स्टीप है उसके ऊपर जाते थे ताकि पेट्रोल बच जाए। तो बहुत सी स्टोरी मेरी ज़िंदगी में, बहुत से ऐसे दिन हैं कि मुझे लोगों ने धोखे दिए, चीटिंग की मेरे साथ, मैंने समझा ये एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया है। मतलब मोटरसाइकिल भी मेरी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी, बहुत कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी के साथ। और बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है कि बिल्कुल मैं नीचे गया, एक ऐसा वक्त भी आया कि मुझे अपनी कंपनी के लिए सैलरी देने भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मेहनत की, तो मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा नीचे जाके ऊपर आया हूँ, फिर चला जाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। स्टार्टर तो मैंने वो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी मिडलिंग, उसमें काम किया, फिर जो मेरी पहली मेजर जॉब थी वो शेल में थी, शेल पाकिस्तान में, वहाँ से फिर मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर आया, फिर पहुँचता यहाँ तक पहुँचा। बाहर से कमाता हूँ, पाकिस्तान में आता हूँ, तो एक बड़ी तवील स्टोरी है, लेकिन एक बात बड़ी इसमें मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने जो काम भी किया है वो मैंने खुशी से किया है, हंस के किया है, उस पर मैं कभी डंडी नहीं मारी, मैंने कभी डंडी नहीं मारी। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो मदर हैं वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, मैं 22 साल उनकी मेरी दोस्ती थी, 22 ईयर्स मैं सिर्फ, मेरा कोई दोस्त नहीं था, वही थी, और उनकी मेरी इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने कैसे मुझे वो बूस्ट करती थी, मतलब मेरे लिए दुआएं करती थी। और हमेशा से मुझे उन्होंने एक ही बात कही है कि बेटा झूठ ना बोलना और मेहनत से ना घबराना। तो मेरा ख्याल है ये मेरे दो मोटो हैं ज़िंदगी के कि आई नेवर लाई एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क। मैं अभी डायरेक्टली कैनेडा से आया हूँ, मैं एकेडमिकली अच्छा नहीं था लेकिन वैसे मैं ठीक था, लेकिन मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, स्टूडेंट यूनियन में भी था, गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेक्रेटरी जनरल था रॉबिन्स फ्रंट का, फिर उसके बाद इंजीनियर यूनिवर्सिटी में भी कायदे इंस्टीट्यूशन का जनरल सेक्रेटरी था, तो पढ़ाई भी करता रहा, साथ पढ़ता भी रहा। मैं समझता हूँ कि एक यंग बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है और अगर वो एनर्जी कहीं पर भी वो लगाएं, उनको मल्टी डायमेंशनल अपनी एनर्जी लगानी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें और होलिस्टिकली एक इंसान बन सके। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया और मैं घबराता नहीं हूँ। मतलब मुझे ये है कि मेरा ईमान ये है कि अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका फल देता है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं कि मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी वटे खावे, सबर बेरीदा वेख मोहम्मद, नेकियां कर दी।